कंगना रनौत ने मूवी माफियाज पर एक बार फिर साधा निशाना। अपने नाम से वायरल हो रहे फेक ट्वीट पर किया रिएक्ट। आखिर क्या कहना है कंगना का, आइए जानते हैं। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। कंगना रनौत अक्सर अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखती है, जिसके चलते कभी उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स सपोर्ट करते हैं तो कभी ट्रोल। हालांकि इस बीच कंगना के नाम से फर्जी ट्वीट पर अभिनेत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल रोजी नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने दो स्क्रीनशॉट्स के साथ ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में रोजी ने बताया कि उन्हें ये पिक व्हाट्सएप पर मिली है, जो कंगना के फेक ट्वीट की है, जिसे कई बार फॉरवर्ड किया गया है। लोग कंगना को बुरा दिखाने के लिए और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रोजी द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में ऐसा दिखाया जा रहा है कि कंगना ने ये ट्वीट 21 अप्रैल को शाम को किया है। वह कंगना के फर्जी ट्वीट में बताया है कि जिस भी शख्स को ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि गाय ऑक्सीजन एक्सहेल करती है, तो उनकी एक्सहेल को इनहेल करने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वह रोजी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, ये मुझे मोदी जी के कैंपेन की याद दिलाता है। वो मेरे पीछे नहीं, वो तुम्हारे पीछे है, लेकिन मैं उस रास्ते में हूँ। अगर आप ऐसे झूठ पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि आप कंफर्म करने में आलसी हैं, तो आपने उन्हें खुद को बर्बाद करने की ताकत दे दी है। आप जो भी करें सोच समझ कर करें, मेरे पास पाने या खोने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, कंगना ने एक और ट्वीट करते हुए मूवी माफियाज पर दोबारा निशाना साधा है। कंगना लिखती है, आज राजपूत बब्बर शेरनी का इफेक्ट इतना है कि ह्यूज कैंपेन्स, अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मनी, स्ट्रेटजीज और टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है एक अकेली औरत को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी सब पॉलिटिक्स के पप्पू पार्टी और मूवी माफियाज इसमें बुरी तरह फेल हो रहे हैं। एक लड़की ने सब पप्पू की वाट लगा के रखी है। वह कंगना के इन रिप्लाइज पर और इन फेक वायरल ट्वीट्स पर आप हमें बताएं अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।